एसपी शैलेंद्र सिंह के सपा सरकार पर लगाए आरोप और कोरोना के बढ़ते मामलों पर कानून मंत्री बृजेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। माफिया मुख्तार अंसारी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बने। हालांकि अभी हाल ही में कोर्ट ने उन्हें 2 सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश में भेजने का निर्णय लिया है, लेकिन इस बार चर्चा 2004 की है कि जब उस समय के मौजूदा डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को बर्खास्त किया गया था पोटा लगाने के मामले में। हमसे बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ मंत्री और कानून मंत्री बृजेश पाठक जी हैं। सर, देखा जाए तो 2004 की चर्चा एक बार फिर से छिड़ी है, एक बार फिर से मुख्तार की चर्चा आई है, पोटा की बात आई है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को और तत्कालीन सरकार पर उन्होंने आरोप भी लगाया है? हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हो। गत सरकारों ने जो किया उसका परिणाम यह था कि उत्तर प्रदेश में लोग आने से डरने लगे थे। जो हमारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स थे उन पर भी कार्रवाई हुई, अब स्पष्ट हो चुका है। हमारी सरकार बनते ही हमने जो हमारे पुलिस उपाध्यक्षक महोदय थे उन पर जो मुकदमे लगाए गए थे राजनीतिक दृष्टि से, उनको हमने वापस लिया। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारी बात पर माननीय न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगा दी है। माननीय न्यायालय ने भी हम जो सरकार की अर्जी थी मुकदमा वापसी की, उसको स्वीकार कर लिया है। मैं शैलेंद्र जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश के लोग अब भरोसा कर सकेंगे कानून पर। बिल्कुल सर, इस बीच बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि चर्चा माफिया मुख्तार अंसारी की होती है। 2 सप्ताह बाद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश भी आने वाले हैं, कई सारे मुकदमे भी लंबित हैं जिसको लेकर के शायद कार्रवाइयां भी सुनिश्चित होंगी। समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से उंगलियां उठी हैं उस समय, क्योंकि तात्कालिक सरकार थी और उन्होंने बाकायदा इशारा किया। गत सरकारों ने अपने राजपाट को माफियाओं के चंगुल में रह करके पुष्पित पल्लवित किया, उसका दुष्परिणाम उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत लंबे अरसे तक भोगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है, कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। सर, एक सवाल मुझे कोरोना को लेकर के है। सर, लगातार इस समय संख्या काफ़ी बढ़ी है, दुगना हो गया है, हालांकि सबसे ज़्यादा संक्रमित उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ है। सरकार ने इसके लिए नोडल अधिकारी भी रखे हैं और सारी अपनी तैयारियां भी कर रही हैं, किस तरह से सर आगे की तैयारी? सभी को कह रहे हैं कि सभी लोग अलर्ट रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग की नीति अपनाएं और कोरोना से बचाव ही एक उपाय है। और मुझे लगता है कि जैसे पिछला जो दौर था कोरोना महामारी का, उससे हम लोग निजात पाए हैं, इससे भी हम लोग शीघ्र निजात पाएंगे और फिर हम विकास के पथ पर तेजी से बढ़ सकेंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिख करके सरकार को धन्यवाद दिया है, लेकिन वहीं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कहीं ना कहीं माफिया मुख्तार अंसारी की चर्चा प्रदेश में होनी शुरू हो गई है और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पोटा लगाया जाना और उसके बाद डिप्टी एसपी को बर्खास्त किया जाना और इस सरकार द्वारा मुकदमा वापस लिया जाना, ये तमाम बातें चर्चा में है। संदीप के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़।